Thank you.
भय माता मही नाही तो तुम सुख मानो मन मां से अजर अमर होने का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने कहा कि मां अब मुझे भूख भी लगी है और आप आगे थे तो इन अशोक वाटिका में लगे वृक्षों पर फल को मैं अपना आहार बना लू। माँ जानकी ने कहा ठीक है खाइए लेकिन सबसे पहले राम जी को हृदय में बिठा दिया। ओ मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों तुम्हारे
ये दोहा हमें ये बताता है कि जो बड़ों की बात नहीं मानता है उसका कभी शुभ नहीं हो सकता है। हनुमान जी खुद बखुद ब्रह्मास्त्र में बंध गए। खुद बखुद बनने का मतलब होता है कि बड़ों की आज्ञा मान लेना, उसको स्वीकार कर लेना। हनुमान जी ने अपना आकार छोटा किया और ब्रह्मास्त्र के अंदर बंधे, क्योंकि रची है सृष्टि, जिसने ये रची है वही चला रहा है। तो ब्रह्मा जी ने ही रची हुई सृष्टि है और उसके अंदर हनुमान जी ने अपने आप को कैद करवा दिया। और हनुमान जी तो आए भी रावण से मिलने हैं, क्योंकि आमना सामना गुरु और चेले का होना है। पूछो कैसे गुरु और चेला, रावण ने जितनी भी तपस्या करी वो शंकर जी को ही पूछ कर करी, जो भी वैभव पाया लंका सोने की और जितना भी पल पल तब सब शंकर जी की कृपा से पाया। और ग्यारह अवतार है हनुमान जी, हम लोग पढ़ते भी हनुमान चालीसा में। शंकर यही बात बताई जा रही है कि शंकर ही खुद केसरी नंदन है। तेज प्रताप महाजगबंदन, आज सिर्फ वेश बदला हुआ है गुरु ने, गुरु ने वेश बदला और हमारे चेले के यहीं पर आए हुए। चेला मतलब समझते हो ना, किसकी तपस्या करी शंकर रावण ने, शंकर जी ने। और शंकर जी ने आज रूप बदला हुआ है, सिर्फ एक पूछ है और हनुमान जी का रूप लगाकर अपने ही चेले के घर पर आए हैं। और चेला क्यों नहीं पहचान पा रहा है, अभिमान बहुत है, मैं बहुत है, मैं बहुत ज्यादा होने के बाद अपने गुरु को नहीं पहचान पा रहा है। अब सम्मुख होने के लिए बेगनाथ पकड़ के लेके जा रहा है हनुमान जी को रावण के दरबार में। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय हारी, प्रभु तेरी सुन रावण ब्रह्मांड निकाला
सीसा जावल शीश भरत सहसासन हंड कोश समेत गिरे कान धरहि जो विविध ने सुर दाता तुम जे जगन भावन दाता हर सकल अतुलित बल सारी जाके बल लवले सते जित हु जना चर जारी आस दूत में जावरी हर यार हो प्रिय नारी। भगवान जी ने सारे दस प्रश्नों का एक एक जवाब से उत्तर दिया कि जिसके बल से तुमने ये वैभव इकट्ठा करा पहली बात ये, और जिनकी पत्नी आप घर के लिए आए दूसरी बात ये, और उन्हीं का भेजा हुआ मैं दूत हूं इसलिए आपसे कहता हूं क्या जाना हूं मैं तुम्हारी प्रभुताई। आपके अंदर कितनी प्रभुताई है वो मैं जब सब जानता हूं, इसलिए सहस बावसन परी लड़ाई समर बालसन करे सुपावा Come on.
अपने चेले को यानी शंकर जी ने रावण को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। व्रतपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार में शरण प्रभु राखी है तब मूल बहुसूल व्रत त्यागम तमय अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा भरोसा कहकर समझाया। कैसे मैं आपको बताता हूं एक भजन के माध्यम से। Thank you.
लगता पहुंचने लगी।